हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी व्हीकल को सेल लेटर पर या सादे कागज या फिर बेचने में क्या नुकसान है। दोस्तों इससे पहले हमने वीडियो शुरू करें आपको बता दें, यदि आप लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून की बनी वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति किसी व्हीकल को सेल करता है तो सामान्य दशा में जो व्हीकल मान लें मोटरसाइकिल है, कार है या और कोई व्हीकल है, उसको सेल करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है जिसको आप व्हीकल बेच रहे हो उसके नाम आरसी ट्रांसफ़र कर देना। यानी जब एक व्हीकल हम बेचते हैं तो वो व्हीकल जो लेने वाला होता है उसकी जो अथॉरिटी होती है रीजनल, वहाँ पर जो व्हीकल उसके नाम हो जाता है और आरसी में उसका नाम चढ़ जाता है तो वो व्हीकल को बेचने का सबसे सुरक्षित और बढ़िया और लीगल तरीका होता है। लेकिन कई बार हम किसी जानकार को व्हीकल बेचते हैं और हम रजिस्ट्रेशन फीस या आरसी को ट्रांसफ़र करने में जो खर्चा लगता है उसको बचाने के चक्कर में उसको सिंपल कागज़ पर लिख के या किसी एफिडेविट पर अगले को लेकर दे देते हैं और एफिडेविट में लिखवा कर दे देते हैं मैंने व्हीकल को फला व्यक्ति को सेल कर दिया है और ये सोच लेते हैं कि इससे हमारी लाइबिलिटी या जिम्मेदारी से पीछा छूट गया है। लेकिन अगर हम कानून में बात करें तो ये बिल्कुल वैलिड ट्रांसफ़र का तरीका नहीं है और वैलिड जो ट्रांसफ़र है वो होता है खरीदने वाले के नाम उसके आरसी ट्रांसफ़र करवा देना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इस प्रकार व्हीकल सेल करने में क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो व्हीकल को सादे कागज़ पर सेल आउट करता है उसको क्या समस्या आ सकती है। सबसे पहले जो उसको समस्या आ सकती है वो है कोई क्रिमिनल मुकदमा झेलने की। दोस्तों मान लीजिए आपने किसी को व्हीकल सेल किया है और वो व्यक्ति उस व्हीकल से कोई इलीगल एक्टिविटी करता है, मान लीजिए वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी में उसका आपका व्हीकल है वो इन्वॉल्व हो जाता है और खासकर एनडीपीएस में जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसके इस मामले में बहुत सारे सख्त नियम हैं। और यदि वो व्यक्ति उस व्हीकल के ऊपर कोई मान लीजिए चरस गांजा अफीम बेचता है तो उसमें यदि वो व्हीकल पकड़ा जाता है तो उसका रजिस्टर्ड ओनर को बहुत सी समस्याएँ आ सकती हैं और उसको बगैर बात की थाने और कोर्ट के चक्कर खाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उसमें जो सबसे दूसरा जो समस्या आ सकती है वो होती है दोस्तों यदि उस व्हीकल से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट जब होता है तो क्योंकि व्हीकल आपके नाम पर रजिस्टर्ड होता है तो ऐसे में चलो क्रिमिनल केस तो उसके ड्राइवर पर चलता है, लेकिन जब वो व्यक्ति क्लेम केस मोटर व्हीकल एक्ट में फाइल करता है तो उसमें ओनर को और ड्राइवर को दोनों को पार्टी बनाता है। और मान लीजिए यदि इंश्योरेंस कंपनी उसमें नहीं है, जिसने आपको व्हीकल बेचा है उसने उसका इंश्योरेंस नहीं कराया है तो उसमें वो आपको पार्टी बनाएगा। और कई बार कोर्ट जब इंश्योरेंस नहीं होता है तो ड्राइवर ओनर दोनों के खिलाफ क्लेम पास कर देती है और ऐसे में आपने जो व्हीकल सादे कागज पर सेल किया है उसमें आपको बहुत सारा जुर्माना या लाखों रुपए में क्लेम देना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए चलो उसने इंश्योरेंस भी करा लिया है और वो व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी किसी टर्म का वायलेशन कर देता है, मान लीजिए उसने कोई मॉडिफिकेशन करा ली या कोई ऐसा काम कर दिया जो कि इंश्योरेंस कंपनी की शर्तों के खिलाफ है तो ऐसे में वो व्यक्ति और कोर्ट उस ओनर के खिलाफ बहुत सारा क्लेम कर देती है और आपको वो क्लेम कई बार लाखों में भरना पड़ सकता है। इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या आ सकती है दोस्तों, ऐसे में जब भी आप कोई व्हीकल सादे कागज पर सेल करते हो और उस व्हीकल से कोई थर्ड पार्टी लाइबिलिटी अराइज होती है तो भी वो आपको आपके खिलाफ हो सकता है और आपको जो व्हीकल आप सादे कागज पर आपने सेल किया है उसमें आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये तो थी दोस्तों जो व्हीकल बेचता है सादे लेटर उसको कौन कौन सी समस्या आ सकती है। इसके अलावा जो व्हीकल कागज सादे कागज पर या एफिडेविट लेकर उसको खरीदता है उसको भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए वो व्हीकल जो किसी व्यक्ति ने सादे कागज पर एफिडेविट पर लिया है उस व्हीकल मान लीजिए उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको जो पुलिस है अपने कब्जे में ले लेती है और उस व्हीकल को कोर्ट से सुपरदारी पर रिलीज करवाना पड़ता है तो ऐसे में बगैर ओरिजिनल ओनर के या रजिस्टर्ड ओनर के कोर्ट ऐसे डॉक्यूमेंट को या ऐसे व्हीकल को छोड़ती नहीं है तो ऐसे में आपको बहुत सी समस्या सामना करना पड़ता है क्योंकि बगैर रजिस्टर्ड ओनर के कोर्ट उस व्हीकल को रिलीज नहीं करती है। इसके अलावा मान लीजिए यदि वो व्हीकल चोरी हो जाता है और आपको इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम लेना होता है तो ऐसे में भी जो क्लेम है वो ओरिजिनल ओनर ही फाइल कर सकता है और सादे कागज पर मान लीजिए आप उस वहाँ पर कोई अपने ओनरशिप का प्रूफ दिखाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसको नहीं मानती है और ऐसे में मान लीजिए जो रजिस्टर्ड ओनर है वो शहर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने लग जाता है तो ऐसे में आपका जो क्लेम है आपके मान लो कोई बड़ा व्हीकल है तो आपको लाखों का क्लेम का घाटा हो सकता है।
क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बगैर रजिस्टर्ड ओनर के क्लेम को आगे नहीं देती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो एक रजिस्टर्ड ओनर को जब अपनी व्हीकल बेचता है उसको आरसी ट्रांसफ़र नहीं कराता है, तो ऐसे में बहुत सी समस्याएं हैं जो लेने वाले और देने वाले दोनों को हो सकती है। तो दोस्तों आज वीडियो में हमने बात की कि किसी व्हीकल को सेल लेटर में बेचने में क्या क्या समस्या आ सकती है, और साथ में हमने बात की कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्हीकल को सादे कागज़ पर थोड़ी जो रजिस्ट्रेशन फीस है और उसका जो ट्रांसफ़र का खर्चा उसको बचाने के लिए खरीदता है, तो दोनों को इसमें बहुत सी समस्या आती हैं और हमने उन समस्याओं पर चर्चा की। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।